हर कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 12th यूनिट 3rd यानी मैट्रिसेस कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 3.1, राइट। और 3.1 में हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ क्या, ये मैट्रिक्स के इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और उसकी मदद से आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स में जो इक्वेशन है ना, इक्वल टू का निशान होगा, और एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को कंपेयर करके आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड यानी जो भी आपके पास वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 6 में एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, आगे फिर वो 6 में 7 में ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो हम किस किस तरीके से हमें ये 6ठा और 7ठा क्वेश्चन में कैसे करना है, हम देखते हैं ना इस तरीके से क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो आपके पास, देखो ये जो क्वेश्चन का पहला पार्ट, इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है आपके पास ना, पहला दूसरा तीसरा, 3 पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन 6 में। तो ये पहला पार्ट है, तो इसको पहले हम समझेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इससे बहुत बेस बहुत क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि देखो ये आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमेशा ये कंडीशन होगा कि जब भी आपके पास ये जब इक्वेशन के फॉर्म में अगर दिया होगा, आपसे कोई वैल्यू निकलवाएगा और मैट्रिक्स कंपेयर कराएगा ना, इक्वल का निशान होगा, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। जैसे 2x2 की ये भी है तो 2x2 का ये भी होगा। तो अब देखो हम मुझे क्या करना है, इससे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो 4 है ना, a11 है ना, तो इसके a11 से यानी इसका ये जो 4 है वो किसके बराबर होगा, इस y के बराबर, इसके a11 के बराबर होगा। अगर इसका मान लो ये a21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसका a21 किसके बराबर होगा, इसके a21 के साथ बराबर होगा। ये 3 किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। ये 5 किसके बराबर होगा, इस 5 के बराबर। तो इस तरीके से ना हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे सो हम क्या लिखेंगे, बहुत ईजी हो गया यह क्वेश्चन हमारे पास। तो सो देखो, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो देखो x यहाँ पे a21, तो x किसके साथ कंपेयर कर लेंगे, इसके 1 के साथ, तो आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये जो y है ना, y देखो यहाँ पे a11 है, तो a11 के साथ कंपेयर करो, इसके 1-1 के साथ, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो z कहाँ पे, z ही रहा है ना, तो ये आपके पास z है, तो ये z आपके पास देखा जाए तो a12 है, तो a12 के साथ कवर होगा यहाँ पे, इसके साथ ना, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर है, z के बराबर। तो z बराबर क्या गया आपके पास, 3 आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा आपके पास, यहाँ पर ये आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कंपेयर करना था, हमें यहाँ पे सिर्फ कंपेयरिंग सिखाने के लिए सवाल बनाया गया था। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड किया इन्होंने ना, आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये आपके पास देखो, ये जेड का ये जेड है, मैं जब ऐसे करके ऐसे कट लगाऊँ तो आपको जेड समझना है, ठीक है ना। ये 2 है और ये एक्स वाई हो गया आपके पास। यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पे दिया हुआ 6, 2 और ये 5, 8, ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो आपके क्या करना है, इसको आप कंपेयर करके आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें से क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो आगे हम देखो कैसे करते हैं, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने a11 के साथ इसके साथ कंपेयर किया इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये होगा एक्स प्लस में वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे देखो यहाँ पे दोनों ही दोनों वेरिएबल यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों वेरिएबल अगर यहाँ पे आ गया तो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी तो हम यहाँ से कोई मान नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई इसको भी इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, एक्स वाई के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास देखो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 के बराबर आ जाएगा। तो एक्स को आप यहीं छोड़ेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ये जो वाई इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स मान क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं ताकि यहाँ पे जो एक्स एलिमिनेट हो जाए और वाई की वैल्यू हम क्या करें, निकाल पाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स का मान यानी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इसमें रखा तो ये होगा 8y प्लस में वाई इक्वल टू क्या, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें इसको ठीक करना है ना, तो जैसे हमने इसको इसका मतलब मैंने एलसीएम लिया तो 8 प्लस में वाई इसके साथ गुना हो तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ गुना हो तो 6y हो जाएगा, ठीक है। अब 6y को आप इधर लेकर आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, 6y प्लस का 8 तो पहले से ही था। अब ये क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया आपके पास, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो, इसकी मदद से हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो मैंने इसको मिडिल टर्म ब्रेक वाला सिस्टम अप्लाई किया है ना, यहाँ पे तो हमें 8 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको 4y माइनस के 2y में ब्रेक कर दिया, सो गुना करने से 8 से गुना करूंगा तो मैं 8 आएगा, और जोड़ो घटाऊंगा तो वापस मुझे 6 मिल जाता है, यही रूल होता है आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक का। तो मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया वाई, तो वाई माइनस में 4 आ गया, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो वाई माइनस में फिर से यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया वाई माइनस में 4 को हम एक बार लिख सकते हैं, और वाई माइनस में 2 को एक बार लिख सकते हैं, तो यानी वाई माइनस में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो वाई बराबर क्या आ गया आपके पास, 4।
यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में टू इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जो हो गया आपके पास दो हो गया। तो यानी देखो यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो दो बार दो निकल के आया, इसके जो दो दो आंसर निकल के आया y का, दो मूल निकल गया आपके पास चार और दो। तो अगर आपके y का आंसर दो निकल गया है तो इसका मतलब क्या होगा, x का आंसर भी क्या होगा, दो बार निकलेगा। क्योंकि अब क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इफ लिखना पड़ेगा मेरे को, इफ इफ y इक्वल टू फोर है ना। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस में y इक्वल टू आपके पास क्या है छः है ना। तो y की जगह मैंने लिख दिया चार, तो x क्या हो जाएगा आपके पास छः और ये चार इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस हो जाए, तो x वैल्यू क्या आ गई दो। ठीक है, देखो y रखने से क्या आ गया, x वैल्यू दो हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इफ अब क्योंकि y की वैल्यू दो दो निकला है, चार और दो, तो मैं इफ y इक्वल टू क्या टू टू रखा आपके पास। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखा मैंने, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास यहाँ पर यही x प्लस में y, आपके पास क्या है x प्लस में y इक्वल टू क्या सिक्स है ना। तो आपने y की जगह आपने दो रखा, तो यहाँ y की दो रखा तो यह क्या सिक्स माइनस में टू, तो x इक्वल x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास देखो यहाँ पे चार। ठीक है, और अब z की वैल्यू देखो, x की और x और y की वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गया, मुझे z की वैल्यू निकालना है। तो z की वैल्यू के लिए देखो इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे है ना। ये देखो यहाँ पे आपको a21 a इसके साथ है, तो देखो 5 प्लस में z इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो z की वैल्यू हो जाएगी देखो इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गया आपके पास जीरो। ठीक है, तो नाउ तो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं। तो आपके पास देखो क्योंकि x और y की वैल्यू दो दो है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखेंगे अगर x की वैल्यू मेरे पास दो निकल गया है तो दो है, तो उस टाइम y की वैल्यू क्या था चार था, y की वैल्यू चार रखने से x की वैल्यू दो निकल गया और z की वैल्यू तो जीरो ही है। या तो एक आंसर ये हो जाएगा, या दूसरा आंसर क्या है, x की वैल्यू चार है कब, जब y की वैल्यू आपके पास दो दो रखा था हमने दो ना, तो और z की वैल्यू तो जीरो है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा पार्ट हमने खत्म किया, तीसरा पार्ट भी इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर। तो तीसरा पार्ट देखो आपके पास ये रहा, ठीक है, ये आपके पास तीसरा पार्ट x प्लस में y प्लस में z, ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ x प्लस में z और दिया हुआ यहाँ पर y प्लस में z, ठीक है, और यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है नाइन, आपके पास नाइन फाइव और क्या है सेवन। ठीक है, तो हम इसको अब इसको सॉल्व करना है आपके पास, ये तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, देखो इसको सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स प्लस में ये इसके साथ सीधा सीधा कंपेयर करेंगे है ना। तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इक्वल टू क्या आ गया नाइन, इक्वेशन फर्स्ट है। एक्स प्लस में वाई इक्वल टू देखो यहाँ पे फाइव हो गया, इक्वेशन सेकंड बन गया, और वाई प्लस में जेड आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा सेवन है ना, ये इक्वेशन थर्ड मान के चलते। ठीक है ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं आप ध्यान दो, मैं जेड का वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ यदि है ना, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दूं है ना। अगर आप ध्यान दो देखो इक्वेशन सेकंड में क्या है आपके पास x प्लस वाई, तो x प्लस वाई देखो यहाँ पर x प्लस वाई नजर आ रहा है, इसकी जगह पूरा पूरा वैल्यू मैं पाँच यहाँ रख दूंगा। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास देखो x प्लस में y है ना, ये आपके पास नाइन है, और देखो इक्वेशन सेकंड क्या कहता है x प्लस वाई की जगह पाँच रखना है, तो x प्लस वाई को मैं हटा दूँ यहाँ से, x प्लस वाई को हटा के क्या लिख सकता हूँ पाँच लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी जेड की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गया ये नौ और ये पाँच इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो जेड की वैल्यू आ गया आपके पास चार। ठीक है, तो जेड तो पता लग गया, अगर जेड पता लग गया तो आप क्या कर सकते हैं कि हम इस जेड की मदद से ना इसकी जेड की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, तो जब जहाँ जेड की वैल्यू रख देंगे तो मुझे मेरे को क्या मिल जाएगा वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ जेड, पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन थर्ड, तो ये इक्वेशन थर्ड आपके पास देखो y प्लस में z इक्वल टू सेवन, तो मैंने z की जगह क्या क्या चार रख दिया यहाँ पे चार। ठीक है ना, तो y इक्वल टू आ जाएगा सेवन माइनस में फोर, तो y की वैल्यू आ गया आपके पास सात में से चार गया तो तीन निकल गया आ गया। ठीक है, अब मेरे को z पता लग गया y पता लग गया, तो मुझे क्या अगर नेक्स्ट वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड, वाई एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू नाइन है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ था, तो अब देखो यहाँ पर z की जो वैल्यू आपके पास चार है और y की वैल्यू तीन है, तो मैंने y की वैल्यू तीन रख दिया और z की वैल्यू मैंने ये चार था मैंने चार रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को वैल्यू हटा दिया तो सर मेरे पास x बच गया ना यहाँ पे,
ठीक है, तो यहाँ पे चार और तीन कितना होगा, सात हो गया। तो एक्स बराबर क्या होगा, नौ में से सात गया। तो एक्स बराबर क्या होगा, नौ में से सात गया, तो आपके पास दो निकल के आएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो गया, एक्स बराबर दो, वाई बराबर आपके पास तीन, और जेड बराबर आपके पास क्या निकल के आया, चार। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन में थर्ड भी यहाँ पे क्या हुआ, कवर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका देखो क्वेश्चन नंबर छः में आपके पहला, दूसरा और तीसरा, तीन पार्ट थे, हमने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे इसे यहाँ पे उतार सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेवन आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके पास सेवन्थ भी, क्योंकि यहाँ पे भी हम इक्वेशन इक्वेशन करके ही हमें क्या करना है, इक्वेशन की मदद से हमें क्या करना है, सो सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर सेवन की मैं बात करूँ, तो क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेवन है आपके पास, ए माइनस में बी और टू ए माइनस में बी, फिर आपके पास टू ए प्लस में सी और थ्री सी प्लस में डी, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपके पास यहाँ पर लिखा है माइनस का 1 5 0 13, ठीक है। इस तरीके से ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें देखो आपके पास ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी की वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं हम कैसे ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे फिर मैंने जैसे आपको बताया कि आपको पता ही है कि एस के बराबर होता है ना, तो हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ए माइनस में बी है ना, तो ए माइनस बी क्या होगा, माइनस एक के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट बन गया आपके पास, ये इक्वेशन फर्स्ट आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टू ए माइनस में बी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन टू माइनस को जीरो के बराबर, ठीक है, क्लियर बात। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या है, टू ए प्लस में सी है ना, ये आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा, पाँच के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड ये हो गया। और थ्री सी प्लस में डी, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा, तो इक्वल टू 13, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करना हूँ, मैं ये जो चार इक्वेशन बन गया, इन चारों में सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, इन दोनों की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो टेंथ में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशन था उसमें ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सॉल्व किया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखा। तो देखो फर्स्ट क्या है, ए माइनस में इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है ना, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड है, टू ए माइनस में भी इक्वल टू के आपके पास 0, ठीक है बेटा। सब सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट यू कर रहे हैं, देखो अगर ये दोनों बराबर है, जैसे बी को मुझे कैंसिल करना है, या एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या, ये दोनों निशान सेम है, तो सेम है तो क्या, अगर सेम होता है तो हमें क्या करना होता है कि इनका निशान को माइनस करने पर हमें जब निशान बदलना होता है, तो मैंने माइनस कर रहा हूँ तो मैंने निशान बदला, ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस ये माइनस का, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का ए, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का ए क्या आ जाएगा, एक में जीरो का तो एक आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ए बराबर क्या हो गया, एक आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, ए माइनस में बी बराबर माइनस का 1। तो देखो ए की वैल्यू क्या, एक है आपके पास, ठीक है। तो ये एक रख दिया मैंने, तो ये एक इधर आकर क्या हो जाएगा, देखो एक तो माइनस का एक पहले से था, एक इधर आकर क्या, ये भी माइनस हो गया, ये आ गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी बराबर क्या आ गया आपके पास 2, यानी ए की वैल्यू आपके पास 1 और बी की वैल्यू आपके पास 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हमें, अब हमें सी की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन थर्ड है, टू ए प्लस में सी इक्वल टू 5 है, अगर ए तो मुझे पता है पहले से, अब मुझे सी अकेला छूटेगा ना यहाँ पर, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो क्या होगा कि सी की वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन में थर्ड में रख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं सी की वैल्यू निकल पाऊँ। तो टू ए प्लस में सी इक्वल टू 5 है बेटा, ठीक है ना। तो देखो ए की वैल्यू क्या निकल गया, एक निकला, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू रख देता हूँ। तो ये अगर टू प्लस में सी इक्वल टू 5, और सी की वैल्यू क्या होगा, 5, दो इधर अगर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू निकल के आ गया आपके पास फाइनल में, फाइनल 3 निकल के आ गया, ठीक है ना। सी की वैल्यू आपके पास 3 निकल के आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डी की वैल्यू के लिए देखो यहाँ क्या करना है, जो सब जब सी की वैल्यू निकल के आ, तो देखो इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, सी और डी है। अब सी की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं सी की वैल्यू यहाँ रख डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4
तो इक्वेशन फोर क्या है, 3c प्लस में डी इक्वल टू 13, और c की वैल्यू आपके पास निकल क्या है 3। मैंने यहाँ 3 रखा है, इनके बीच कौन गुणा का निशान होता है, ठीक है ना। तो ये आ गया 9 और ये आ गया डी, है ना। तो ये डी यहाँ छूटेगा, ये 9 उधर आकर ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है इधर लेकर आते हैं तो ये माइनस होता है, 13 में से 9 का तो 4 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर ए की वैल्यू भी निकाल चुके, बी की वैल्यू भी, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर क्या होगा आपके पास 4। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या किया, आप फिनिश कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, लेकिन अभी क्या है कि हमारे लिए मैट्रिक्स बिल्कुल नया चीज़ है। ट्वेल्थ में आप आए बिल्कुल नए चीज़ें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस चैनल में है ना, आप बिल्कुल नए फ्रेश की तरह मैट्रिक्स में, आपने मैट्रिक्स सीखने के लिए आपने अभी भी शुरू किया होगा, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बारीकियों से बहुत धीरे धीरे करके इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स से कंपेयर करके ना, कैसे कंपेयर करके इक्वेशन से इक्वेशन जनरेट करके हम कैसे वैल्यू निकालते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो यह मैंने सिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को धीरे धीरे अगर आप देखेंगे और साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो पक्का ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करना है, कमेंट्स करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे फटाफट मैं आगे पूरा जो ट्वेल्थ का है ना, 6 से लेकर 12th तक, वैसे मैं इस चैनल में सारे वीडियो डालने वाला, लेकिन 12th का मैं बहुत जल्दी जल्दी अब वीडियो डालूंगा, ताकि आपको बहुत जल्दी ही आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर पाए, पूरे एनसीईआरटी को कवर कर पाए, ठीक है ना। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।